दूसरा यहाँ पर अलवरी साहब से कैलकुलाइज करते हैं और छोटे मुझे बच्चों ने शरीर परफॉर्मेंस दी, उसके लिए मैं अप्रिसिएशन पेश करता हूँ। स्पेशली साहब में उन्होंने शॉर्ट नोटिस में 3 दिन में एक नया टेम्पो यहाँ पर पेश किया। मुझे इस चीज संपन्न बनाने का मकसद क्या होता है, बस वो जरा के लिए हमसे आपके दिल को उसको बताए। मकसद यह है कि हम दिन क्यों मनाते हैं, यहाँ पर आपके सामने जज्बा जी टीम भी आते हैं, इसमें शहीदों का जो लघु वो आपको पता लगता है कि यही हमारे इस जमीन की जो दफ्तरी है उसमें पानी का इसने जो काम किया है, तो ये आप जो पौधे सामने बैठे हुए मुस्तकबिल के उन्हीं के पर हमें मिन्नत है कि उनके जो लघु का जो उस ये आज्ञानी पौधे से आज यहाँ पर आप एक आज़ाद होने का ये सांस ले रहे हैं। अब हमारा इसमें क्या किरदार होना चाहिए? तो बेटा बस एक छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज कि हम कम से कम अपनी अगर जान, जिस तरह यहाँ पर शाहिद साहब ने कहा, शाहिद भाई साहब ने कि जान की भी जरूरत पड़ी तो हम उसमें कोई भी दरेज नहीं करेंगे, ये हम सबको पता है। लेकिन इसमें जो हम अपना किरदार जो है वो कम से कम कलम के जरिए से, इलम के जरिए से वो जरूर हम अदा करें। जिस तरह परसों आप लोगों ने देखा कि जब भी हमारे सामने साफ बात है जो हमारा दुश्मन मुल्क की तस्वर किया जाता है कि मुकाबले में होता है वो है इंडिया बाहर, तो उसमें अगर हमारे सामने अगर क्रिकेट का मैच भी आता है तो आप देखते हैं कि उसमें हमारा कितना जोश व जज्बा होता है। अब तालीम के हवाले से और इलम के हवाले से इलम के मैदान में भी हमें चाहिए कि आप लोग वो कारनामा सर अंजाम दें ताकि उनको पता लगे कि यहाँ पर सिर्फ राजीव फिलहाल अजीज भट्टी मेजर अजीज भट्टी शहीद या हमारे पास कारगिल के कैप्टन उनके शेर, इसी तरीके से हमारे लिए अगर आप जाते हैं तो मानस की शक्ल में, लेकिन हम एक और भी काम कर सकते हैं कि एलम के मैदान में हम उनको ऐसे अपने कारनामे सर अंजाम दें ताकि उनको पता लगे कि अभी भी इनकी कौम जो है वो जाग रही है और मादन में बसेगी। आप तमाम मेरे साथ जितने भी इसमें बैठे हुए तो पता है आपको कि हमारा जो नारा है तो उसके साथ जो है आप अपने अल्फाजों को मेरे नारे के जवाब में आपके साथ शामिल करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।